वेलकम टू गॉड क्लासेस। तो बच्चों आज की जो क्लास है ऑफिशियली अगर मैं बात करूं तो ये अप्लाइड मैथमेटिक्स की क्लास है जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम बाकी भी बात करें, अगर आपके पास साइंस है उसमें आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं, आईआईटी कर रहे हैं या कोई और ऐसा कोर्स कर रहे हैं जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स की जरूरत होती है, तो वहां पर हमेशा आपके पास कहीं ना कहीं लॉग का जरूर यूज करना होगा। अब लॉग का अगर यूज करना होगा तो लॉग टेबल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि लॉग एक्चुअली में क्या होता है, टेबल से हम कैसे रीड करते हैं। तो आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम ये बताने जा रहे हैं कि लॉग टेबल का आपको किस तरह से यूज करना है, आप इससे फेमिलियर हो सकते हैं। बस आपको करना है आज की वीडियो पूरी देखनी है, स्किप मत करना वीडियो। अगर आप स्किप करेंगे तो ये जो लॉग का जो पूरा सिस्टम है वो भी आप शायद उतना अच्छी तरह समझ नहीं पाएंगे। तो लॉग के बारे में हम ज़्यादा यहाँ पर बात नहीं करेंगे कि ऑलरेडी मैंने पिछली जो वीडियो थी उसमें आपको मैंने डिटेल में बताया था कि लॉग एक्चुअली होता क्या है। इससे पिछली वीडियो में हमने लॉग की जो प्रॉपर्टीज और लॉज होते हैं वो हमने डिस्कस किए थे, यानी जो हमारी फोर्थ और फिफ्थ वीडियो है उसमें लॉग के बारे में डिटेल में काफ़ी कुछ मैंने बताया हुआ है। अगर आपको वो देखना है तो एंड स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा या फिर ऊपर मैं आई बटन में भी लिंक दे देता हूँ, तो वहाँ पर जाके आप ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि लॉग के जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं यूजिंग लॉग टेबल। उससे पहले मैं आपको एक टर्म के बारे में और बता दूं, साइंटिफिक नोटेशन। अब ये साइंटिफिक नोटेशन वैसे तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी, फिर भी हम उसको एक बार यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है? साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, आपके पास कैसा भी नंबर है आपको उसमें डेसिमल एक डिजिट के बाद लगाना है। मतलब जैसे अगर आपके पास ये नंबर है तो डेसिमल हमारा यहाँ पर होना चाहिए। अगर डेसिमल को आप शिफ्ट करते हैं तो उसमें क्या चेंजेस होते हैं, जैसे यहां पर डेसिमल को मैं अगर इधर लेके जाऊं तो ये क्या बनेगा, 6.23412। अब डेसिमल को इधर शिफ्ट करेंगे तो नंबर में कुछ ना कुछ चेंज होगा। अब नंबर में क्या चेंज हो रहा है, मैं कितने प्लेस डेसिमल इधर खिसका रहा हूं, तो 1, 2, 3, तो 3 प्लेस मैं लेफ्ट में जा रहा हूं। तो 3 प्लेस कहां जा रहा हूं मैं, लेफ्ट में। लेफ्ट में जाने पर आपको क्या करना है, इसकी पावर आपको उतनी ही यहां पर इंक्रीज कर देनी है, 10 raised to power। कितने प्लेस गए हम, 3 प्लेस गए, तो 3 प्लेस गए तो यहां पर 10 raised to power 3 हो जाएगा। लेफ्ट में जाएंगे तो पावर पॉजिटिव करनी है। ऐसे अगर वहां पर देखो 6, 2, 1, आगे कुछ नहीं है, आगे कुछ नहीं है मतलब यहां पर डेसिमल है, फिर आगे 0, 0, 0 जितनी मर्जी हो सकते हैं। अब डेसिमल को मुझे शिफ्ट करना है यहां से 1, 2 प्लेस के बाद करना है, तो ये हो जाएगा 6.21 इंटू में 10 raised to power 2, क्योंकि 2 प्लेस मैंने इधर शिफ्ट किया है। तो ये जो फॉर्म आती है इसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ये आपको यहाँ पर यूज करनी पड़ेगी लॉग जब हम निकालेंगे। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर डेसिमल इधर है, अब यहाँ पर डिजिट आपके पास कौन सी होगी, पहली डिजिट आपको लेनी है 2, क्योंकि साइड तो 0, 0 है। लेफ्ट में अगर 0, 0 आप लिख रहे हो तो उनकी कोई वैल्यू काउंट नहीं होती है। तो इस डेसिमल को हम किधर शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं 1, 2, 3, 3 प्लेस के बाद शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये हो गया 2.5 इंटू में 10 raised to power। अब आपने कहा गया डेसिमल को राइट में आप शिफ्ट कर रहे हो, डेसिमल को राइट में शिफ्ट करने पर क्या होता है, पावर माइनस हो जाती है उतनी। लेफ्ट में आएंगे तो पावर प्लस, राइट में जाएंगे तो पावर माइनस। ठीक है ना, समझ में आ गई होगी बात। ऐसे अगर यहां पर देखो, आपने सोचो आपकी यहां पर क्या होगा, यहां डेसिमल है तो सोचो एक बार जरा, फिर मैच करना मेरे आंसर से। ये हमारा आंसर क्या बनेगा, 5.0 इंटू में 10 raised to power -5। कितने प्लेस हुए, 1, 2, 3, 4, 5, तो पावर क्या होगी, -5। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो होगी साइंटिफिक नोटेशन की बात। हम वापस अब लॉग पे आते हैं। जब भी हम लॉग लिखते हैं, लॉग की जो वैल्यू हम लिखते हैं, तो एक्चुअली उसमें दो पार्ट होते हैं। आपने नोटिस किया होगा लॉग की जो वैल्यू आती है वो उस तरह डेसिमल्स में आती है, मान लो 2.124 कुछ भी मैंने अभी लिख लिया है, कोई टेबल वेबल नहीं यूज कर रहा हूँ मैं अभी यहाँ पर। अब क्या होता है कि जो इसके अंदर दो जो पार्ट होते हैं, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक और एक होता है मेंटीसा। क्या क्या, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा, ठीक है। अब इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो क्या होता है, जो आपका लेफ्ट में पार्ट है, ठीक है, जो डेसिमल की लेफ्ट में पार्ट होता है वो होता है कैरेक्टरिस्टिक, और ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये भी जो इसके राइट में है, राइट में होता है हमेशा कौन सा, मेंटीसा। राइट में क्या होता है, मेंटीसा, यानी ये जो है ये मेंटीसा है और जो लेफ्ट में था वो कैरेक्टरिस्टिक है।
मेंटिसा हमेशा पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रखेंगे, मेंटिसा कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। और मेंटिसा फाइंड करने के लिए हमें लॉग टेबल को यूज करना है। तो मेंटिसा तो बच्चों इजी होता है फाइंड करना, मैं आपको अभी जब टेबल बताऊंगा तो आप बड़े इजीली फाइंड कर लेंगे मेंटिसा। तो दिक्कत आती है कैरेक्टरिस्टिक में, यहाँ पर अक्सर कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पर क्या आना है। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या तरीके ऐसे हैं जिससे आप कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर सकते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे हम मेंटिसा पर। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक आपको कैसे पता करना, बड़े ध्यान से समझना, कैरेक्टरिस्टिक ही मेन है, तो ये बड़े ध्यान से आपको समझना है। तो पहला जो तरीका होता है इसका होता है बाय इंस्पेक्शन। बाय इंस्पेक्शन मतलब आप देख के पता लगा सकते हैं या थोड़ा बहुत हेर फेर करके उसमें पता लगा सकते हैं कि भाई इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। तो सपोज आपके पास कोई नंबर है यहाँ पर 20, अब जो नंबर आपने लिया है जिसका लॉग आपको निकालना है वो देखो कि यहाँ पर 20 किस किस के बीच में आ रहा है, 10 और 100 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो लॉग 10 की जो वैल्यू होती है, लॉग 10 की वैल्यू आपको अगर पता है तो ठीक, लॉग 10 की वैल्यू होती है 1 और लॉग 100 की वैल्यू होती है 2। तो आपको क्या करना है, लॉग 20 की वैल्यू निकालनी है। तो ये तो क्लियरली पता है कि लॉग 20 इन दोनों के बीच में आना है, तो 100 से बड़ा तो वो है नहीं, 10 से बड़ा है, तो इसका मतलब उसका आंसर क्या आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यानी कैरेक्टरिस्टिक इसमें क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। अब इसके मेंटिसा के बारे में भी बाद में बात करते हैं अभी टेबल से। अब अगर आपके पास कोई नंबर है, दूसरा तरीका क्या है उसको, कि उस नंबर को आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लो, जैसा अभी पीछे डिस्कस किया हमने, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लो, सबसे आसान तरीका होता है। आपको क्या करना है, बस आपके पास 20 था तो डेसिमल ये भी यहाँ पर है, दो प्लेस के बाद है, तो हमने एक प्लेस इधर शिफ्ट किया, लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पर 10^1 आ गई। तो जो आपकी पावर आएगी वही आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा, है ना, सिंपल। पावर कितनी आई, 10^1, तो यही आपका कैरेक्टरिस्टिक हो गया। सबसे आसान तरीका ये होता है। दूसरा तरीका होता है कि आप इंस्पेक्शन की बजाय आप रूल फॉलो करें प्रॉपर। अगर रूल हम फॉलो करेंगे तो यहाँ पर आप समझे, 2-3 नंबर मैंने लिखे हैं, जैसे यहाँ पर लिख लिया मैंने 200। अब 200 में आपको क्या देखना है, नंबर ऑफ डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल, डेसिमल के लेफ्ट में कितनी डिजिट है, डेसिमल के लेफ्ट में कितने डिजिट है, देखो 1, 2, 3 तीन डिजिट है लेफ्ट में। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, जितनी डिजिट होती हैं उसमें से 1 माइनस कर दो। डिजिट थी हमारी 3, उसमें से 1 माइनस कर दिया, ये आ गया 2। क्लियर हुआ। ऐसे यहां पर देखो डेसिमल के बाद यहां पर 3 डिजिट है, सॉरी 4 डिजिट है, 4 डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 = 3। तो 3 यहां पर इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अगर इसी को मैं यहां पर निकालू साइंटिफिक नोटेशन से, तो भी आप समझ लो यहाँ पर 200 है, 200 को मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, 200 को लिख लेता हूँ 2 पॉइंट। अब डेसिमल क्या है, 2.0 लिख लेते हैं, आगे 0 0 0 आ रहा है तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब डेसिमल को मैंने क्या किया, 1, 2 प्लेस इधर शिफ्ट किया, तो ये आ गया 10^2। तो आपको देख रहे हो कैरेक्टरिस्टिक आ गया आपका 2। तो उसमें आपको क्या होगा, ये रूल याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे यहाँ पर देखो, यहाँ डेसिमल इधर है, इसको 3 प्लेस हम इधर लाए, तो 3 प्लेस इधर लाए तो क्या होगा, 2.0 फिर से, और 10^3। तो आप देखोगे यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया, 3, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इस पर, जिसमें डेसिमल पहले होता है बाद में फिर नंबर होते हैं। तो यहां देखो जैसे नंबर है 0, 2, इस तरह के नंबर में आपको क्या देखना है, डेसिमल के बाद कितने जीरो आ रहे हैं, ठीक है, कितने जीरो आ रहे हैं ये आपको देखना है। यहां पर 0 देखो कितना आ रहा है, डेसिमल के बाद 1 0 आ रहा है, ये लिख दिया हमने। यहां पर 3 0 आ रहे हैं, ये लिख दिया। अब इस तरह के जो नंबर आएंगे उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक निकालने का तरीका क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस को काउंट करेंगे और उसमें 1 प्लस करेंगे। क्या करना है, नंबर ऑफ जीरोस को काउंट करना है, उसमें 1 प्लस करना है, तो ये हो गया 1 + 1 और उसके आगे साइन लगाना है माइनस। कैरेक्टरिस्टिक इस तरह के नंबर का माइनस में आता है, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर कितने हैं, डेसिमल के बाद 3 0 हैं, तो 3 + 1 यानी 4 हो गया, तो यहां पर कैरेक्टरिस्टिक आ गया इसका -4। अब क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक कभी भी कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो सकता है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक साथ में बनता है किसके, मेंटिसा के। तो अगर आप लिखो कहीं पर नंबर माइनस, मान लो हमने लिख दिया -2.1425 कुछ भी नंबर लिख दिया, इसका मतलब यहां अगर माइनस आप लगा रहे हो तो ये पूरा नंबर माइनस हो गया, तो उस पूरे नंबर में मेंटिसा भी इंक्लूड है, लेकिन मेंटिसा आप कभी भी नेगेटिव नहीं लिखेंगे। तो जो माइनस होता है उसको हम कैसे शो करते हैं, यहाँ पर ये 2 के ऊपर लगा देते हैं बार, ऐसे यहाँ पर 4 के ऊपर लगा देंगे बार, तो इससे आप शो कर सकते हैं कि मेंटिसा आपका नेगेटिव है,
ठीक है। अब इसको भी मैं इसी तरीके से निकाल रहा हूं साइंटिफिक नोटेशन से, देखो जरा ध्यान से, यहां पर क्या डेसिमल इधर है और साइंटिफिक नोटेशन में होना कहां पर चाहिए, डेसिमल टू के बाद होना चाहिए, तो डेसिमल यहां पर एक और दो, दो प्लेस शिफ्ट हो रहा है, क्या हो रहा है यहां पर 2.0। अब शिफ्ट किधर हो रहा है, राइट में शिफ्ट हो रहा है, राइट में शिफ्ट हो रहा है तो पावर कितनी हो जाएगी माइनस, तो मेंटिसा क्या आ गया कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया आपका 2 आ गया, ठीक है। अब यहां पर देखो कितने डेसिमल इधर है, 1 2 3 4, चार प्लेस इधर शिफ्ट करेंगे तो 2.0 × 10⁻⁴, तो आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया -4। तो इससे क्या होगा, अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये रूल रूल आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको बताया था साइंटिफिक नोटेशन क्यों जरूरी है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये मेथड यूज करें, ये यूज करें या रूल यूज करें, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम है आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके समझाना, आपको कौन सा अडॉप्ट करना है वो आपके ऊपर है, जो आपको आसान लगे वो आप तरीके अडॉप्ट कर लो। अब हम इससे समझेंगे कि कुछ नंबर्स हम निकालते हैं लॉग टेबल का यूज करके, कि उन नंबर्स की वैल्यू आप कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों अब यहां पर मैंने कुछ देखो नंबर लिखे हुए हैं, अब हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि उसका जो लॉग है वो क्या होगा, इन सभी नंबर का हमें लॉग फाइंड करना है। अब उसके लिए जो जो चीजें आपको चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, मेंटिसा क्या होता है, फिर नंबर फाइनल क्या बनेगा, वो सब हम डिस्कस करते हैं। अब तो सबसे पहले और सबसे जो आसान तरीका है वो क्या है कि आप इन सभी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लो, या फिर आप रूल के अकॉर्डिंग चलो। तो मैं दोनों तरीके से आपको समझाता चलूंगा, आप देखते हैं। यहाँ पर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो आ जाएगा 2.0 × 10⁻¹। आपको समझ में आ गया होगा साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, 4.12 × 10⁻², 5.490 × 10⁻³, इसको लिखेंगे 6.258 × 10⁴, इसको लिखेंगे आप 2.0 × 10⁻¹₁, इसको लिखेंगे आप 3.0 × 10⁻², इसको लिखेंगे आप 4.125 × 10⁴, -4। समझ में आ गया होगा कैसे कैसे लिखना है, फिर भी एक बार थोड़ा हल्का सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ डेसिमल इधर था, हमने इधर शिफ्ट किया, एक प्लेस शिफ्ट किया तो 10⁻¹ आ गई, इसमें यहाँ लास्ट में तो दो प्लेस शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर 10⁻², यहाँ पर 1 2 3 प्लेस शिफ्ट किया तो 10⁻³ आ गई। अब इसमें लास्ट में यहाँ पर 0 है तो इस 0 को आपको कंसिडर करना है क्योंकि बाद में दिया हुआ, पहले नहीं है। यहाँ पर 6258 है तो यहाँ भी डेसिमल लास्ट में, तो 1 2 3 प्लेस यहाँ पर कंसिडर करेंगे तो 3 प्लेस इधर शिफ्ट किया तो हमने यहाँ पर सॉरी एक्स 10⁻³ क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। अगर हम यहाँ पर अच्छा यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ एक नंबर और ले लेता हूँ ताकि और आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 4 × 10⁻⁴ कितनी होगी 4, ठीक है। अभी इसमें ही बताऊँगा आपको क्या करना है। यहाँ पर 0.2 था तो पॉइंट इधर हमने शिफ्ट किया, 10⁻⁻¹ आ गई, इधर 1 2 प्लेस शिफ्ट किया तो -2 आ गई, इधर 1 2 3 4 प्लेस शिफ्ट किया तो -4 आ गई। तो साइंटिफिक नोटेशन में आपने यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पर अब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करने से पहले ये जो नंबर था हमारे पास 5 डिजिट में नंबर था, तो आपको जो नंबर रखना है 4 डिजिट में रखना है। अब 4 डिजिट में अगर हम इस नंबर को रखेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, ये 4 डिजिट का नंबर तो 6.258, यहाँ 8 तक हम रख लेंगे, इसको कंसिडर हम नहीं करते, ठीक है। या इस तरीका होता है कि आप इसको राउंड ऑफ कर लो, तो 84 को राउंड ऑफ करेंगे तो 80 आएगा, तब भी यहाँ पर 8 ही रहना है। क्लियरली समझ में आ गई। अब देखो अब इसका हम निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या था, जो 10⁻ आएगी वही कैरेक्टरिस्टिक है, तो 10⁻ क्या यहाँ पर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, -1 -2 -4, तो क्या हुआ इसका जो कैरेक्टरिस्टिक था सबका आपने बड़ी इजीली निकाल लिया। नहीं तो आपको क्या करना है, रूल याद रखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर डेसिमल के बाद दो डिजिट है तो उसमें से क्या करना है, एक कम करना है, एक कम कर दिया, 3 डिजिट है ठीक है कम कर दिया, ये वाले नंबर हो जाते हैं। लेकिन जब आप डेसिमल में जाओगे तो थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ जीरोज काउंट करना है। अब नंबर ऑफ जीरो यहाँ पर 1 है, और एक भी नहीं है, उसमें आपको 1+ करना था, 1+ करेंगे और साइन क्या आएगा नेगेटिव, तो साइन नेगेटिव आ गया। यहाँ पर 1 0 है तो आपका साइन -2 हो गया, यहाँ पर 1 2 3 0 है तो यहाँ पर -4 हो गया।
तो बाय रूल भी आप ऐसे याद कर सकते हैं, बाय इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं। अब बारी आती है मेंटिसा की। मेंटिसा के लिए आपको चाहिए लॉग टेबल, ये केमिस्ट्री की बुक है 11th क्लास की, इसमें लॉग टेबल है। तो आपके पास और भी बुक ऐसे मिल जाएंगी जिसमें आपको लॉग टेबल मिलेगी, नहीं भी मिलती है तो ऑनलाइन डाउनलोड कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर देखो आप, हमें निकालना है 2.0 मतलब 20 का लॉग निकालना है। जब भी आप लॉग निकालेंगे तो हमेशा पहले दो डिजिट लेनी है, ठीक है। अगर दो डिजिट नहीं है तो उसको दो डिजिट बना लेंगे, जैसे 2 है खाली 2 को लिख लेंगे 2.0। इसमें जो ये पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट को यहाँ पर कंसीडर आप नहीं करेंगे, सिर्फ आपको दो डिजिट यूज करनी है स्टार्टिंग की। कैसे, यहाँ पर चाहे पॉइंट में लिखा हो, पॉइंट में लिखा हो जैसे 2.0 लिखा है तो 20 कंसीडर करेंगे आप, 2.0 नहीं। तो यहाँ पर सबसे जो लेफ्ट वाला कॉलम है इसमें आपके पास नंबर होंगे दो डिजिट के, यहाँ पर आप 20 पे जाएंगे और 20 के सामने, 20 के आगे कोई नंबर है नहीं है, 20 के आगे कोई नंबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो गया। तो 20 वाले कॉलम में आप जाके जीरो पे देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास आएगा 3010, ठीक है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख नहीं रहा होगा ज्यादा क्योंकि बहुत छोटा छोटा है, आप लॉक टेबल अपने पास रखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको डाउट आपका। तो 3010 ये आ गया इसका मेंटिसा। पहले सबके मेंटिसा निकाल लेते हैं फिर नंबर बनाएंगे। अब यहाँ पर उसके बाद फिर क्या है, 412 का मतलब पहले आपको 41 देखना है। तो 41 आएगा आपका इधर आ गया, यहाँ पर 41 है और 41 के बाद क्या है यहाँ पर 2। तो 41 के नीचे हम 2 पे देखेंगे, 41 के नीचे 2 पे जाके देखेंगे तो ये आ रहा है 6149। चश्मा मेरा ऊपर रह गया, बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है तो दिक्कत हो रही है थोड़ी, 6149, ठीक है। फिर क्या है 5490, तो पहले 54 फिर 9, तो 54 आएगा आपका नेक्स्ट पेज पर मिलेगा 54 के सामने हमें 9 पे देखना है। तो 54 के सामने 9 पे जाएंगे तो ये लिखा हुआ है 7396, क्या लिखा हुआ है 7396, यही नंबर लेना है क्योंकि उसके बाद में जीरो था तो जीरो आपको नहीं देखना है। उसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पर, अब नंबर आपके पास क्या बन गया, ये 6258। तो 6258 यानी 62 में पहले 5 पे जाएंगे, तो 62 में अगर हम 5 पे जाएंगे इस टेबल के अकॉर्डिंग, 62 में हम 5 पे गए तो यहाँ पर लिखा है नंबर 7959। अब लेकिन इसके बाद भी एक नंबर है, इसके बाद भी एक नंबर है, 5 के बाद भी एक नंबर है 8, इसको तो आप कंसिडर करेंगे, इसको तो छोड़ दो 8, ठीक है। तो 8 के हिसाब से यहाँ पर आगे जो कॉलम है उसमें एक मीन डिफरेंस हो दिया होता है, एक कॉलम और बना के बना होगा 8 का, तो उस 8 के नीचे जाएंगे इसी के नीचे, किसके नीचे 62 के नीचे। तो 62 के नीचे हम 8 पे गए आगे तो यहाँ पर आपको वैल्यू दी हुई है 6, तो 6 जो वैल्यू आएगी उसको हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा, इन दोनों को ऐड किया 7965। अब ये इसका मेंटिसा बनेगा, यानी अगर चौथी वाली जो डिजिट आएगी उसका भी टेबल यहाँ पर है तो उसकी वैल्यू भी आपको लेनी है और जो पहले वैल्यू आपने यहाँ से निकाली उसमें ऐड कर देना है। पांचवी डिजिट इसमें नहीं होती है इसलिए उसको हम कंसिडर नहीं करते। अब देखते हैं आगे, ये 2.0 का सेम यही रहेगा, ठीक है, क्योंकि मेंटिसा देख रहे हैं हम, अभी वैल्यू नहीं निकाल रहे, मेंटिसा इसका यही रहेगा 3010। अब उसके बाद यहाँ पर 3.0 मतलब 30। अब 30 को देखो टेबल में 30 और उसके आगे कुछ नहीं है तो 30 के आगे जीरो पे देखना है, 30 के आगे जीरो पर है 4771, एक बार आप ध्यान से देख लेना, टेबल बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है इसमें। उसके बाद फिर क्या यहाँ पर 4125, तो 41 के नीचे देखेंगे 2 पे और 5 पे, 41 मतलब 41 के नीचे 2 पे अगर हम देखेंगे तो यह लिखा हुआ नंबर 6149 प्लस क्या लेना, जो 5 वाला नंबर है, 5 वाला इसमें आगे देखेंगे मीन डिफरेंस में क्या था, 412 के नीचे 5 पे जाएंगे तो 5 के नीचे वैल्यू भी 5 ही है, इसको आप इसमें ऐड कर देंगे ये बन जाएगा 6154, ठीक है, ये नंबर बन गया। अब आपके पास क्या हो गया, टेबल आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरह, थोड़ा छोटा छोटा था, कहीं एक आध हो सकता है छोटी मोटी गलती हो गई हो तो आप उसको ध्यान रखना, लेकिन टेबल देखने का प्रोसेस सारा मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर आप देखेंगे कि आपके पास कैरेक्टरिस्टिक आ गया, मेंटिसा आ गया, ये दोनों अगर आपने निकाल दिए तो नंबर तो कुछ है ही नहीं बनाना, नंबर में क्या करना है आपको 1.3010, पॉइंट से पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, पॉइंट के बाद मेंटिसा लिखना है, तो ये नंबर क्या आएगा 2.6149।
ये क्या आ जाएगा 3.7396, ये क्या आ जाएगा 4.7965, ये आ जाएगा माइनस वन है, माइनस वन को कैसे लिखेंगे, वन के ऊपर बार लगा देंगे 3010, टू के ऊपर बार 4771, फोर के ऊपर बार 6154, तो ये आपके लॉग टेबल कंप्लीट हो गई। समझ में आ गई बात किस तरह से करना है। आई होप मैंने अपनी तरफ से कोशिश आपको करी है कि अच्छी तरह से आपको लॉग टेबल देखना जरूर सिखा दूं, इसमें आपको कोई भी गलती ना हो। अब हम समझते हैं कि जो इसका एंटी लॉग है वो आपको कैसे निकालना है। अब बच्चों हम बात करते हैं एंटी लॉग की। लॉग टेबल से हमने लॉग निकालना सीख लिया, एंटी लॉग टेबल का कैसे यूज करना है। एंटी जो वर्ड होता है वो अपोजिट के लिए यूज करते हैं, जैसे हम फिल्मों में देखते कहते हुए एंटी हीरो, एंटी हीरो मतलब जो हीरो के अगेंस्ट हो, तो यहाँ पर जो लॉग के उल्टा होता है उसको बोलते हैं एंटी लॉग। तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है, मैं इसमें ज्यादा बहुत डीप में जाऊंगा, वो सिंपल तरीका बताऊंगा कैसे आपको फाइंड करना है। यहाँ पर जैसे 3.6424 है, आपको क्या करना है, ये जो डेसिमल से जो पहले जो नंबर होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसको आपको लिख लेना है 10^10 में। ठीक है, क्या करा हमने, कैरेक्टरिस्टिक को लिख लिया, जो भी यहाँ पर लिखा है वो आप 10^10 दे दो। अब इसके इनटू में आपको क्या करना है, ये जो टेबल से हम नंबर देखेंगे वो नंबर लिखना है। अब टेबल से नंबर कैसे देखेंगे, तो उसके लिए फिर वो आपको टेबल की जरूरत पड़ेगी। अब टेबल हमारे पास एंटी लॉग की भी होती है, तो एंटी लॉग की टेबल जैसे मेरे पास ये है, इसमें हम क्या देखेंगे, पहले 64, तो इसमें भी आपको दो डिजिट लेनी है, तो यहाँ डेसिमल में लिखा होता है लेकिन आपको दो डिजिट करनी है 64, तो 64 हमारे पास यहाँ पर है, उसके बाद उसके नीचे 2 है और 4 है। ठीक है, तो 64 वाले कॉलम में हम जाके देखेंगे, 2 के नीचे वैल्यू आ रही है 4385, क्या वैल्यू आ रही है 4385, तो वो वैल्यू लिख ली हमने 4385। उसके बाद फिर एक वैल्यू और है 4, तो उसके लिए भी जो नेक्स्ट टेबल है मेन डिफरेंस वाली, उसमें 4 के नीचे देखेंगे क्या आ रहा है हमारे पास, 64 में हमने देखा 64 में 2 के नीचे हमने लिख लिया और 4 के नीचे आ रहा है 4, 4 के नीचे 4 ही आ रहा है, तो इसको हमने लिखा तो ये आ गया 4389, ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को आपको क्या करना है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जो साइंटिफिक नोटेशन होती है, उसमें लिख के मल्टीप्लाई कर देना है 4389, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। ठीक है, क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक जो नंबर दे रखा है वो 10^10 में लेके जाओ, और जो नंबर आपने यहाँ एंटी लॉग से निकाला है एंटी लॉग टेबल से, उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दो, इसको सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ गया आपका 4389। ये हमारा इसका एंटी लॉग, यानी अगर आप 4389 का लॉग निकालेंगे तो उस लॉग की वैल्यू ये है। समझ में आ गई होगी बात। अब ऐसे देखो यहाँ पर सेम ये तरीका अप्लाई करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, 4 है, तो हम क्या लेंगे 10^4 इनटू, अब क्या है 388, तो 388 मतलब 38 के सामने 8 पर देखना हमें क्या आ रहा है, 38 पे देखेंगे हम, 8 के सामने आ रहा है 2443, क्या आ रहा है 2443, तो 2443 को 2.443 लिख देंगे, साइंटिफिक नंबर में लिखना है। अब इसका आप यहाँ पर वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी कितनी 24430। जीरो क्यों लगाई, क्योंकि डेसिमल यहाँ पर क्या है 4 है, तो 4 से मतलब 10,000 से इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल 4 प्लेस उधर जाएगा, 1, 2, 3, 4, चौथा प्लेस नहीं है, तो उसके आगे उसके लिए हमने 0 लगा दिया। यहाँ पर क्या है 3 के ऊपर बार है, तो 3 के ऊपर बार है, तो इसको क्या करना है 10^-3 इंटू में 2989। अब 2989 का निकाल, यानी 29 के सामने 8 और फिर 9, 29 के सामने 29 आ गया हमारा 29 के सामने 8 आ गया है 1986, क्या है, ठीक है 1986 आया, उसमें आपको प्लस करना है क्या, कौन सा नंबर 9 के आगे, तो 9 में है इसमें 4 इसमें हमने प्लस कर लिया 1990, तो 1990 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे। अब यहाँ पर 10^-3 है, तो -3 है तो डेसिमल किधर जाएगा, डेसिमल इधर लेफ्ट में आएगा, ध्यान रखना, तो ये आ जाएगा आंसर 0. अब यहाँ पर जो इसको एक सॉरी इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा पहले, अब डेसिमल को आपको 3 प्लेस इधर लाना है, 3 प्लेस इधर लाना है, तो एक प्लेस तो ये हो गया, तो 0.001990 वाली आगे लिखो या ना लिखो, डेसिमल अपने 3 प्लेस इधर शिफ्ट कर लिए। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ 2 के ऊपर बार है, तो हो जाएगा 10^2
माइनस टू 5017, और 50 के नीचे पहले 1 पर जाएंगे, 50 निकाला हमने, 50 के नीचे 1 पर है 3170, क्या नंबर है 3170, फिर उसके बाद क्या है 7, तो 7 के नीचे नंबर आ रहा है आपका 5, इसमें ऐड कर देंगे तो 3175, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो 3.175। अब यहाँ डेसिमल कितना जाएगा, दो प्लेस लेफ्ट में आ जाएंगे तो हो जाएगा 0.03175, तो ये इसका एंटी लॉग होगा। तो आप लॉग से भी चेक कर सकते हो, एंटी लॉग से भी चेक कर सकते हो कि आपका आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको कुछ समझा दिया होगा अच्छी तरह कि लॉग टेबल आपको कैसे यूज करनी है, एंटी लॉग टेबल आपको कैसे यूज करनी है। अब आपको इसमें कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए, आप इसकी प्रैक्टिस करें, लॉग निकालें, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के एंटी लॉग निकालें, उसको आप चेक कर सकते हैं। अगर किसी में कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करके बताएं कि आपको इस चीज में प्रॉब्लम आ रही है। आपके मैं कोशिश करूंगा हर एक क्वेरी का आपका आंसर दूं। मैंने अपना नंबर भी अब यहाँ डिस्प्ले कर दिया है, अगर आप चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करना तो मुझे आप व्हाट्सएप पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें आपको कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, एवरेज, क्लॉक्स, कैलेंडर्स, इन सब के बारे में बताऊंगा। अब देखो अप्लाइड मैथमेटिक्स का आपको कितना फायदा होने वाला है। अप्लाइड मैथमेटिक्स में ये जो कंटेंट हमने पढ़ा, इंडेसिस पढ़ा, और जो हम आगे पढ़ेंगे क्लॉक टेबल, ये सब कहाँ पर आते हैं, ये सब जो कंपिटिशन एग्जाम आप दोगे उसमें सब में क्वेश्चन आते हैं इन सबके, तो उसके लिए आपको अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो, आपके बेसिक्स ही क्लियर हो रहे हैं। बस आपको क्या करना होगा, उनके कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स सीखने होंगे, और जो शॉर्टकट ट्रिक्स हैं वो भी मैं अपने जो मेरा चैनल है उस पर मैं जो कंपटीशन एग्जाम है उनकी शॉर्टकट ट्रिक्स भी बनाता हूँ। तो मैं ऑलरेडी सिंपल इंटरेस्ट की ट्रिक्स जो है वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, अब मैं नंबर सिस्टम की ट्रिक्स बना रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर आप या आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई घर में किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप मेरे वीडियोस देखकर आप वहाँ से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बिल्कुल टॉनिक का काम करता है, हमें अच्छा लगता है कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।